राम राम भाई। सारे भाइया ने तो ये चार कॉन्स्टेबल में काम चलिया ना भाइया का। मैम तो है भाई, ये मैम 24 की बच्ची का 24 वाले खूंखार शेर भाई। सुना दो भाई, के नाम दोस्त है? प्रवीण सोरण भाई। प्रवीण सोरण मैम तो हाँ भाई। चलो भाई, किसा स्वाद आया प्रवीण ने? जमा मजा आ रहा है भाई। मौज कर दी? हाँ, जमा मौज कर दिया एसएससी में। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया लग गया। तेरा भाई के नाम दोस्त? मेरा ना भाई राकेश नाम है। राकेश है मैम तो है। चलो काम चल गया राकेश भाई? हाँ, बिल्कुल। फिर किसा के महसूस कर रहा भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया स्वाद आ गया। चलो बढ़िया भाई। मेरा नाम भाई प्रदीप गणगस मैम तय भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। तू भाई? भाई मेरा नाम साहिल है भाई। साहिल भाई, भाई। किस आगे महसूस हो रहा है साहिल भाई? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है भाई। पहला भी जॉब में था। अच्छा। और बढ़िया भाई, बढ़िया मिल गई तो अपने। बढ़िया भाई, सही बात। चलो प्रदीप भाई, तन्ने नहीं बताई, बता सकते कौन यार? इतनी खुशी हो रही है, बोलने नहीं पा रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो नहीं हुआ वो भाई, बढ़िया काम चल रहा है। और भाई आगे बढ़िया ड्यूटी करियो, जिस हिसाब ने इतना लागे इसी ड्यूटी करियो। तो भाई तू अपने बारे में बता भाई, क्यों करके तैयारी करनी शुरू करी? भाई मैंने 5 साल हो गए तैयारी करता है, पलड़ी भर्ती में रह गया था मैं। अच्छा। आधा नंबर था, फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही है, दोबारा ही फिर अटेम्प्ट दिया तो बात बन गई। अच्छा। इस घर के सारे राज्य खुशी जड़े भी जाए, वाह वाह हो रही है तो। अच्छा रुका पाट गया, आगे की बच्ची का छाया एक तरफा छाया है ना। ना बढ़िया भाई बढ़िया। और अपने बारे में बता भाई, क्यों करके? भाई माँ बापू ने पूरा सपोर्ट कराया है कि भाई बेटा आगे बढ़े। अपना घर में 7 पीढ़ी हम नौकरी कौन थी हमारे पहले, अरे पहले भाई यो यो था आखर था भाई। जमा मजा आ गया इबके। ठीक भाई, और उन भाइयों से क्या कहना चाहोगा जो रह गए भाई यार हार मान ले थक जाए? भाई हिम्मत ना रहो, अपनी मेहनत करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। जुगराज तन्ने थाया है। चलो भाई बहुत बढ़िया लग गया, सारे काम करवा लिए भाई, कागज कुगचा हो गया। चलो बहुत बढ़िया भाई। राकेश भाई तू बता दे भाई, क्यों करके तैयारी करनी शुरू करी थी? कद तक करी थी? 12वीं कद हुई उस पाछे के कुछ तैयारी करी? मेरी 12वीं 2012 में हुई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने और 2-3 जगह कोर्स करे हैं, फिर मैंने 2018 में कोचिंग लेनी शुरू करी थी। 18 तक तैयारी करने लग गया था भाई, फिर तैयारी शुरू करी थी, फिर मैंने लगातार 2 साल तैयारी करी है। उसके बाद फिर मैं जिंदगी में एक बार मोड भी आया कि कलर्क का टाइम में बीमार हो गया। अच्छा। तो फिर ऐसा लगा 18 वाली कलर्क भर्ती के टाइम। हाँ, उस टाइम मैं बीमार हो गया। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम डॉक्टर ने कह दी थी भाई तू नहीं बचाएगा। अच्छा ऐसा हो गया था? हाँ, कती एंड टाइम पे आ गया था। डॉक्टर ने बोले भाई तेरा खून चढ़ाना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं उस पेपर दिया, पेपर में रह गया, फिर मैं अफसोस होया। फिर मैंने 2019 में ढंग से तैयारी करनी शुरू करी, फिर 2020 में मेरा पेपर होया, फिर उसके बाद मेरा पेपर होने के बाद मैं सिलेक्शन की प्रोसेस में गया। फिर देखा तो भाई भाई मेरी चेस्ट वगैरह कम थी, तो मैं लगातार 1-1.5 महीना जिम बीमारी है। फिर नू है भाई जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ देखो तू भाई, एक टाइम पर तेनू लग गया खत्म हो गई थी जिंदगी, मान लो लीवर लवर सारी ये दिक्कत आ गई थी तेरे। देखो भाई फिर उस चीज तो ओवरकम करया। 80 वो मांग गया करे चेस्ट इसमें जो ये भाई रिजर्व कैटेगरी था है, तो इसकी जो चेस्ट थी वो बेहतर थी। अच्छा, मतलब 80 मान्या करे। हाँ, तो मतलब नॉर्मल इंसान जो है ये सोच नहीं सकता कि मैं मतलब 1-1.5 महीना का टाइम भीतर इतनी चेस्ट बढ़ा। हाँ, बेहतर 73-74-75 तो सोच भी सका आप। हाँ, तो इसकी भाई ने 81 मतलब ने BSc करी। अच्छा। लेकिन तो भाई देख इतना मतलब कोई हमने नहीं लगता है बालक इतनी कोई हिम्मत मार सके जितनी इस भाई ने मारी है। इतना हुए पाछे भाई, इतनी देरी हुई पाछे, कोई बालक 4 बात भी मारे हैं, दुनिया भी मारा है, इसी दे ले रखी है, पुलिस में लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन इस भाई ने भाई जो पॉसिबल करके दिखाया। दोनों टाइम मारे अर्धा भाई प्रैक्टिस हो भाई। ना बहुत भाई तने कसूती बात बताई, मान ले इसका जज्बा भाई यार जो इन है सोची ना, तो लोग गे मॉरल डाउन कर दे हैं, मतलब लोग क्या कहेगा हमारे भीतर यह चीज बांट दे यार हम सही में ना कर सकते। हाँ, क्योंकि लोग इतनी कह दे हम भीतर में वह चीज मान लिया, जबकि लोग की सुननी ना होती अपने भीतर में, मैं कर जाऊंगा भाई मैं कर जाऊंगा ना, यह चीज है भाई अपने माहौल में यार। देखो लोग जो कम है ना ना कर सकते, वह आप ना दिखाते कि आप ना कर सकते, वह खुद अपनी बताओ कि उनके बस का कोई ना, अगर वह तेरी सिचुएशन में होते ना उन पर ना हो भाई। चलो भाई उस पक्ष भाई फिर तेरा यार काम चल गया है। चलो भाई बहुत बढ़िया लगी तेरी स्टोरी। प्रदीप भाई तू भी बता अपने बारे में। मैंने भाई 2017 में 12वीं करी थी, उसके बाद मैं 2018 की शुरुआत में कोचिंग लेने लग गया था। उसके बाद फिर मेरा डी ग्रुप में था भाई, वो 2 नंबर से रहा था। अच्छा अच्छा। और ये कलर काली जो अभी रिवाइज हुआ कल परसों रिजल्ट, इसमें भाई मेरा 1 नंबर से रहा था, मेरे EWS में 62 थे और 5 ऊपर गए थे। लेकिन ठीक है भाई, जो राम ने मंजूर था आप आगे तैयारी करी गई, तो आज भगवान की दया तर भाई, बिरके की दया तर भाई, मास्टर की दया तर, इसमें काम चल गया भाई अपना। नाना बढ़िया है भाई यार। देखो जब तू 2 नंबर तेरे उस टाइम पे भी तेरा वो होया होगा अफसोस सा, सब रोए हैं यार, हम भी रोए थे
और भाई रहे होंगे भी रहूं, जो अपने व्यूअर भाई हैं और भी हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है, एक टाइम भी गणे वाले किसे होंगे जो कह रहे हैं भाई मारा नहीं होया, दुख मान रहे इन चीज़ का। तो भाई ये है देखो, लगने 5500 है जितनी पोस्ट है, तो भाई जो लाले सौ बालक बाजे हैं उन मतलब लेने 10 हैं, जो ग्यारहवा पावेगा उसने भी नहीं लगेगा, बारहवा पावेगा उसने भी नहीं लगेगा, तो भाई जो है उसने एक्सेप्ट करो और अपना आगे की तैयारी करो। हाँ जो हो गया उन्हें भूलते जाओ, कोई ना भाई हमने कुछ ध्यान ना दिए कई चीज़ों में, बाकी आगे बन जाएगी बात भाई। हाँ तो ये चीज़ जिंदगी में भाई उतार चढ़ाव आनी जानी चीज़ है। हाँ इन चीज़ें तो सीखना है, जो करी इस भाई ने भी मान लो बीमारी तभी उठा है और उस टाइम पे ही नू लग गया था कड़ा यार पुलिस पालिस करेगा सिस्टम होया भाई, वो भाई इंस्पिरेशन है सारे देखने वाले भाई तो ही बात बन जाया करे भाई, अगर मानस की नहीं साची वो लग गया रहे तो जरूर फल लग गए भाई। चलो बढ़िया भाई, तू बता भाई। भाई 2016 में 12वीं करी थी भाई मैंने। अच्छा। अपने मैं पुलिस में अपने आड़े एडमिशन ले लिया, बीए करी। ठीक है भाई। फिर 2019 साली भर्ती में भाई पुलिस की, मैं उसमें रह गया भाई मैं। उसमें क्या मरे तू पेपर में? भाई फाइनल मार्क्स में रह गया भाई। अच्छा। फिजिकल भी हो गया था, पेपर भी क्लियर हो गया था, सारे काम हो गए। फिर भाई उसमें ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था भाई, ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर ली, 3.5 साल अपने नौकरी होगी भाई फिलहाल मेरी। अच्छा, अपने तैयारी करते रहे भाई, पेपर देते रहे। हाँ तेरे भीतर में यह चीज इकती दूसरे साहब कहेंगे मतलब और ग्रोथ करनी है, और ग्रोथ करनी है हिम्मत ही पढ़ने लिखने की, तो अपने क्यों नहीं करा भाई पढ़ना। कई आगे वह चीज हो जाए तनखाड़ा सुख मान जा, आराम आ गया बस ठीक है, बस छोड़ दे भाई। कई जने तैयारी ग्रुप डी में पुलिस, ग्रुप डी की नौकरी भी बताओ आराम गणा बताओ, इनमें हल्का फुल्का काम बताओ भाई। हल्का फुल्का काम यार काम में क्यों हो भाई, फिर वही बात है भाई अपने तनखा दिखी जा तो आराम सा फील हो। हाँ यह चीज है, लेकिन नो है भाई ग्रुप डी है भाई अपने उठना चाहिए भाई, अगर पढ़ सको तो पढ़ो भाई। हाँ नहीं पढ़ा जाओ तो अलग बात है, मेहनत कर सको तो करो भाई आगे बढ़ो अपने। बहुत बालक है तेरे में उनमें क्या फर्क है, कई बालक कंफर्ट जोन में पड़े रहे हैं आगे, बस यह मुश्किल तो थे बढ़िया। हाँ। हो गया फिर वो आगे सरकण की ना सोचते बस भाई, कौन सोचे सरकण के आगे, उन्हें सोचनी चाहिए भाई आगे बढ़ना चाहिए, अगर उनमें है वो तो देखो उनके भीतर की कॉल है, अगर उनमें लग गया हमने आगे मतलब ये सेटिस्फाई हो जाए तो क्या दिक्कत, अगर उन्हें स्वाद आ जाए तो वह बढ़िया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जैसे भाई मेरा पेपर था रेलवे एनटीपीसी का भाई सेकंड फेज में देख आया हूँ, तो कुछ को नहीं भाई अपने तैयारी करते रहो भाई, आप धीरे धीरे पेपर क्लियर होते रहोगे, एक चीज़ मिल गई अगली चीज़ भी मिल जाओगी, ना भी मिली कम तक दुख तो को नहीं भाई, हम बेरोजगार ना खाली ना कुछ नहीं करते, कम तम प्रयास तो करना चाहिए भाई, प्रयास करोगे तो अपना कुछ ना कुछ सही बात है, एक्शन लेने तो हुआ है सब कुछ करोगे अपने तो है भाई साहब, अपने तैयारी करते रहो पढ़ते रहो। हाँ बने बात, मैं भी देखो जाऊँ यार इतने बड़का तो मिलू, जो राजिन तो मिल इस भाई तो मिल बात करी तो भाई दिखा है, अगर जो बालक मान लो सच नहीं तो एक जगह में लिखा के करता रहने तैयारी वार हो जाए पर बात बन जाए भाई, इसी को बात को ना इस भाई ने भाई वाची इग्नोर करी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ सही कहे भाई, वाची इग्नोर करी भाई। हाँ इस पे तो मान लो हर कोई बात मारता जिस हिसाब का वो है कि रहने दे रहे, सोची को नहीं भाई या बात या कोई भी जो होता है कम है भाई, लोग बतेरे इसने कुकर कर लिया इसने कुकर कर लिया। हाँ उनका सिस्टम हैंग हो गया, जो इन्हें कहते तेरा बस का कोई ना, उनका सबंध बना रही। कई जने कहे भाई इसका कुकर हो गया, तो भाई साहब इसने सबसे बड़ी चीज है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, भीतर में गांठ मार लो जो करना है, काना मगा लो लोग गड़े सुननी नहीं यार, बस जो करना वो कर। हाँ चल ही जाओ भाई बनेगी बात, क्योंकि एकदम पल तैयार कर दिया माहौल बड़का खातर, जो इसकी डाल कमजोर है ना उन्हें इसने देख कर आज इंस्पिरेशन मिलेगा। सही बात है, बढ़ने कोशिश करेंगे। हाँ यो कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सके भाई, 100-200 बालक और सीखेंगे कम से कम, और वे आगे बढ़ेंगे अपनी तैयारी करेंगे यार, मेहनत करे भाई, 5 साल मन करी है, 4-5-40 भाई ने भी करी है, सारे भाई फल जरूर मिलेगा, सब्र का फल रखो मीठा हो है, तैयारी करते रहो भाई, तैयारी करते रहो। हाँ नू ऐसा माहौल नहीं भाई, कई बालक जो नू है पिया वाला का सिस्टम चल रहा है अपना भाई, खींच के ले दो काम ने। ना सही कह रहे हैं यार भाई, खूब लग लग रही है गरीब भाई वाला का, नहीं इसी को बात को ना भाई, एक दिन भगवान सबकी सुने भाई। हाँ लागे रहो तो बने है बात भाई, लागे रहो बस तैयारी ना छोड़ो, लागे रहोगे ना आज ही तो कल पक्की मिलेगी, और जिस दिन नू हो जाओगा ना भाई काम तो लग गए, नू को नहीं होगा कोई फायदा को नहीं भाई, कोशिश कर दे रहो। हाँ इतने देखो उम्र है यार, फार्म भर सको हो, इतने मारो हाथ पा। हाँ बाकी, हाँ बाकी तो भाई किस, चलो बढ़िया है ठीक।